वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेलकम टू शबनम फूड रेसिपीज। आज मैं चिकन अंगारा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो से ज़्यादा चिकन लिया है, ये 1.25 किलो। अब मैं इसको पहले मैरिनेट करना पड़ेगा। मैं इसमें चिकन डाल लेती हूँ, 1 कप दही डाल ली है मैंने इसमें, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 1 नमक डालना है इसके अंदर, आप अपने जायके के साथ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छी तरह मिला के मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, बहुत अच्छी तरह मिला लेंगे इसको हम। इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे हम। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इसे मैंने इसके बीज निकाल लिए, काट लिए, इसको मैं उबाल लूँगी, उबाल के फिर इसकी प्यूरी बनाऊँगी। और ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, इसे बारीक काट के इसे ब्राउन कर लूँगी। मैं इसे उबलने लग देती हूँ टमाटरों को, मैं थोड़ा पानी डाल के उबालने लग दूँगी इसको। टमाटर गल गए, इसको मैं अब ठंडा करके इसे प्यूरी बना लूँगी, और इस पर जो ये स्कीन है इसकी छिलका इसे निकाल देंगे हम, सब पीसेस पे छिलका जो है अलग कर लेंगे हम। ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। एक तरफ हमारी प्याज ब्राउन हो रही थी, आज ब्राउन नहीं हुई है। मैं 3 प्याज ली थी मीडियम साइज की, प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गई है, मैंने निकाल ली प्याज, गैस बंद कर दिया। मैंने एक भगोना रख लिया इसमें, दो चम्मच ऑयल डाल रही हूँ मैं, जो मैंने अभी प्याज ब्राउन करी थी, मस्टर्ड ऑयल है ये। तीन चम्मच बड़े ऑयल डाल लिया, ये चिकन मैंने रखा था सब्जी डाल दिया चिकन, you
इसमें कलर अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं एक चम्मच इसके अंदर। मिक्स कर देंगे। इसे हम पकने देंगे इसको 5 मिनट बाद देखेंगे। ये थोड़ा गल गया है। मैं टमाटर प्यूरी डाल दूंगी इसके अंदर जो मैंने पीसी थी, और ये प्याज मैंने इसे बारीक कर लिया है, इसे क्रश कर लिया बारीक, इसमें डाल दूंगी अब। तो अभी पकेगा ही, अभी और पकने देते हैं। तो 10 मिनट से ज़्यादा हो गए पकते हुए, अच्छी तरह गल गया है। देखिए गया है। अब मैं इसमें ये चार कोले ये गरम करने रख दूंगी दूसरे चूल्हे पे। थोड़ी क्रीम डाल देती हूँ इसमें, 4-5 चम्मच मैंने क्रीम डाली है इसमें। चूल्हा बंद कर देती हूँ। मैं इसके अंदर एक कटोरी रख रही हूँ, एक चारकोल गर्म हो गया। ये लौंग इस पर डाल रही हूँ मैं चार, सो घी डाल देती हूँ, ढक्कन लगा देंगे। एक कटोरी हटा देती हूँ। अब मैं डिश में निकाल लूंगी इसे। हम कर देंगे गार्निश से हरा धनिया से और थोड़ी क्रीम से। चिकन अंगारा तैयार है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर बटन को जरूर हिट करिए, जिससे मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।